देश भर में 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले आदिवासियों की शौर्य गाथा और बलिदान को याद किया जाता है। आज हूल दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन भोगनाडीह पहुंचे और वहां क्रांति स्थल पर जाकर शहीदों को नमन किया। भोगनाडीह में सीएम चंपई सोरेन ने 315 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। वहीं हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद पहली बार विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके आगमन की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। ये होल दिवस तो हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन आज ये मेरे लिए, हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि आज केस याद में हम लाखों की संख्या में यहां एकत्रित होते हैं और आज जो देश में परिस्थिति बनी है, जो विपक्ष को का जो जमात इकट्ठा हुआ है, उनके खिलाफ महागठबंधन ने भी एक अपना हूल क्रांति करने का निर्णय लिया है। इन सामंती सोच वाले, मनुवादी सोच वाले लोगों को राज और देश से इनकी जड़ें ही कबाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज ये इतिहास का पन्नों में है। इस झारखंड धरती में कभी किसी का गुलाम का स्वीकार नहीं किया, यह हमारा पूर्वजों का इतिहास है। 1855 में इसी धरती से हुल हर क्रांति का सिद्धू कन्हू चांद भैरव फूलो जानवरों हजार हजार लाखों के संख्या में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खिलाफ में उनका गुलाम का जंजीर को तोड़ने के लिए तीर का नोक से वो लोग चैलेंज कर दिया था। लंबा लड़ाई लड़ा, इस जमीन अपना परंपरा, अपना भाषा सांस्कृतिक, इस जमीन में जो जमीन को खेत खलियान हमारा पूर्वजों ने बनाया, उसको बचाने के लिए है तीर का नोक पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को तीर का नोक से जवाब दिया था। हमारा पूर्वज ने कभी किसी से गुलाम नहीं स्वीकार किया, ये इतिहास है। इसलिए आज का दिन पूरा भारतवर्ष में, पूरा झारखंड में, हर प्रदेश में आज सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो का, उनका श्रद्धांजलि करके उनका प्रेरणा लेने का दिन है और संकल्प लेने का दिन है। इसलिए आज इसी धरती में, आज इस गांव भोगनाडी में ही जन्म लिया था, जो पूरा जंगल झाड़ का बीच से ही आज शोषक का विरोध में अपना हुल और क्रांति का शुरुआत किया कि मेरा जमीन में, मेरा खेत खलियान में किसी का अधिकार नहीं होने देंगे। ये अपने से हमने खेत बनाया, अपना परंपरा है, अपना भाषा सांस्कृतिक है, अपना मातृभाषा है, हम किसी का स्वीकार नहीं करेंगे। ये जमीन हम आबादी किया है, गांव बसाया है, इसके लिए हम इसका हुक्म किसी का चलने नहीं देंगे। ये तो लड़ाई है, ये झारखंड हर समय समय में, इसका पहले भी तिलका मांझी वो 1755 में है, कभी किसी का स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आज का दिन हम लोग उन वीरों का हम लोग याद करेंगे, उनका लड़ाई का हम लोग सलाम करेंगे और उस लड़ाई से प्रेरणा लेके हम लोग आज का समाज को मजबूत करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।